देखे लास्ट क्लास जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? फिजिकल चेन देखे थे, केमिकल चेन देखे थे, केमिकल रिएक्शंस देखे थे। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है क्या? इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसका कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर इसका बोलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पॉसिबल है गैस का इवॉल्व होना। ये कोई फिक्स नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोपोगेट कर रहा है जिसमें गैस का इवॉल्व हो रहा है, नहीं, वो इवोल्यूशन ऑफ ए गैस मतलब कोई एक गैस निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। अब ये कोई इसका सिंगल करेक्टर तो है नहीं जो कि सिर्फ गैस ही निकलेगा। मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस का मतलब एक पार्ट है, इस केमिकल रिएक्शंस का एक कैरेक्टर है। जैसे आपको खाने का कैरेक्टर है, पीने का कैरेक्टर है, कहीं घूमने का कैरेक्टर है ना, लोग आपको अच्छा लगता है, खेलने में अच्छा लगता है, तो ऐसा आपका कैरेक्टर को बताना, समझा तुमको? तो सिमिलरली आपको बोलेगा सिर्फ खाता ही है, क्या कैरेक्टर शोभा देता है? नहीं, सब लोग सिर्फ खाता ही है क्या? किसी कोई घूमता भी है, कोई सिंगिंग भी करता है, तो अलग अलग क्लास होता है, समझा तुमको? अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, मतलब अलग अलग कैरेक्टर कोई कोई केमिकल रिएक्शन शो करता है। लेकिन जितने कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, चार पांच कैरेक्टर देखेंगे, उस फाइव कैरेक्टर में केमिकल रिएक्शंस पूरा आ जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर क्या बोले? इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक एग्जांपल लेते हैं, ZN है प्लस ऑफ H2SO4 है, जब रिएक्शन करता है जिंक SO4 बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस ऑफ क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ऊपर की तरफ एरो क्या बता रहा है? लिबरेशन का मतलब जो पॉट है ना, जो पॉट में जो जो मान ले रिएक्शन हुआ, अगर गैस लिबरेट हो गया, एस्केप कर गया, बाहर निकल गया, तो उसको हम लोग बाहर इस तरीके दिखाते हैं, ऊपर की तरह आयरन दिखाते हैं, इस तरीके दिखाते हैं, समझ रहे हो? ये इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, समझ रहे हो? मतलब जिंक को जब क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया, मतलब ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ केमिकल रिएक्शंस का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड कैरेक्टर क्या है? सेकंड क्या कैरेक्टर क्या है? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर क्या करता है? कलर का चेंज होता है, कलर का चेंज होता है, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज करते हैं। इसे सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, एक एप्पल लीजिए, समझो तो एक एप्पल लीजिए, समझो तो ये मान लेते एप्पल है, लेट हम लोग का एप्पल है, एप्पल को दो पार्ट में काट कट कर दिए, ठीक है, टू पार्ट में कट कर दिए। देखिए एप्पल इस तरीके का कमरा हो जाएगा, एप्पल हम लोग का इस तरीके का दिखेगा, कट कर दिए, ठीक है, हम लोग का देखिए कट कर दिए। तो कट करने के बाद होगा क्या, यहाँ का जो कलर होगा, इन दोनों का जो कलर होगा, कलर मतलब कुछ कलर कुछ होगा, मान लेते हैं व्हाइट, मतलब व्हाइट टाइप का ही रहता है, व्हाइट टाइप का ही कलर रहता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम देखेंगे क्या करेगा, कलर इसका चेंज कर जाएगा। हुआ क्यों? क्योंकि इस एप्पल में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। ये तो यहाँ पर क्या गया, एटमॉस्फेयर आ गया, मतलब सराउंडिंग आ गया, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। डायरेक्ट कांटेक्ट में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे गैसेस, नाइट्रोजन हो गया, एटमोस्फेरिक कंडीशन समझ में आए रहेगा, ऑक्सीजन है, मतलब लॉट ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, जो करेगा क्या, इस केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या करेगा, उसका कलर चेंज कर दिया, मतलब ये कैरेक्टर हो गया किसका, केमिकल रिएक्शंस का। एक कैरेक्टर किसका हो गया, केमिकल रिएक्शन का। एक और सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, ये तो एप्पल अपना घर में आप काट करके देख भी सकते हैं, एप्पल को आप काट करके छोड़ दीजिएगा, देखिएगा, मतलब 2-3-4 घंटे के बाद देखिए कलर एकदम चेंज हो जाएगा। वो कलर चेंज हुआ, वहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ, समझे बातों को? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एग्जाम्पल हो सकता है चेंज इन कलर का। आयरन का जो कलर होता है, समझेंगे, समझे बातों को? आयरन का जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ग्रेइश, GREYS, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। ग्रेइश ब्लैक कलर से किसमें कन्वर्ट होता है? ग्रेइश ब्लैक कलर किसमें कन्वर्ट होता है? ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? ब्राउन कलर में। नहीं, यही तो रस्ट देखते हुए आयरन का, मान लेते रड है, आयरन को, रड को क्या कीजिए, पहले तो नया नया आयरन को लाइए, आयरन के रड को लाइए, छोड़ दीजिए, क्या करेगा, एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में, पूरा एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ ये रॉड
रिएक्शन कर लेगा, वो ग्रेस ब्लैक कलर किसमें कन्वर्ट कर देता है, देखते हैं इसका कलर चेंज होता था कुछ टाइम। मतलब यहाँ पर इन्वॉल्व क्या हुआ, यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ केमिकल रिएक्शन, इन्वॉल्व हुआ क्या, इन्वॉल्व हुआ केमिकल रिएक्शन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल हो गया चेंजिंग कलर का। मतलब वहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन में भी केमिकल रिएक्शन प्रोपगेट करता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग का है क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट मीन्स, स्टेट मीन्स क्या, मैटर का स्टेट, मैटर का स्टेट का मतलब आप लोग जानते हैं मैटर का स्टेट कौन कौन स्टेट होता है, तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और क्या होता है, गैस होता है ना। सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को स्मॉल एन से, और गैस को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टेट का चेंज होता है, जैसे सिंपल आप लोग कैंडल को जलाते होंगे, कैंडल को जलाते हैं तो देखिए ये एक्चुअली में रहता है किस फॉर्मेट में रहता है, सॉलिड में रहता है, सॉलिड में रहता है ना। कैंडल मान लेते हैं जला, कैंडल जला, जलने के बाद फिर होता क्या है, जलने के बाद फिर होगा क्या, देखिए कैंडल जलने के बाद क्या होता है, ये जो कैंडल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, पिघल कर कुछ क्या होता है, मेल्ट होकर नीचे की तरफ ले जाता है, कुछ क्या करता है, उड़ जाता है। ये उड़कर क्या बनता है, CO2 गैस बना लेता है, क्या बनता है, CO2 गैस। ये तो सॉलिड में था, ये किस फॉर्मेट में, सॉलिड में था, ये किस फॉर्मेट में आ गया, गैस फॉर्मेट में आ गया। देखिए स्टेट का चेंज होना, ये भी एक कैरेक्टर किस किस कैरेक्टर को बताता है, किस कैरेक्टर को बताता है, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर को बताता है। एक और एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझिए जेडन है, जेडन सॉलिड है प्लस ऑफ HCl, आप एक्वस लीजिए, एक्वस का मतलब होता है वाटर का प्रेजेंस होना, वाटर का प्रेजेंस होना, वाटर का प्रेजेंस होना का मतलब ये नहीं होता कि लिक्विड ही होगा, वाटर का प्रेजेंस होना मतलब वाटर उसमें प्रेजेंट है, समझ रहे हो। जैसे HCl एक्वस लिए, एक्वस मतलब वाटर का प्रेजेंस होना, इसको क्या फॉर्मेशन क्या करेगा, ZnCl2 प्लस ऑफ क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। देखिए ये जो स्टेट था कौन सा स्टेट था, बता सकते हैं, ये गैस स्टेट में आ गया, ये एक्वस स्टेट में आ गया। देखिए इधर का स्टेट क्या था, सॉलिड स्टेट था, इधर एक्वस स्टेट था, इधर कौन सा स्टेट आ गया, एक्वस स्टेट और गैस स्टेट। देखिए क्या इधर इस साइड और इस साइड दोनों का स्टेट सेम ही है क्या, नहीं, स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट भाई, क्या फिजिकल स्टेट सेम ही है, अलग अलग है ना जी, अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या करना है, स्टेट का चेंज हो रहा है, जो कि एक करेक्टर है किसका, केमिकल रिएक्शन का। एक और हम लोग का है करेक्टर, फोर्थ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेशन इसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट करना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का पहले मीनिंग समझेंगे उसके बाद उसका फॉर्मेशन लोग देखेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक पॉट है, एक पॉट है, एक पॉट मान लेते हैं ये लोग का एक पॉट है, इस पॉट में क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस मान लेते हैं यहाँ पर दो तीन टाइप का सबस्टांस इसमें मिक्स किए, अब वहां पर दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। एंड ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन अब बंद हो गया, बंद होने के बाद देखिए ऑब्जर्व क्या कि इसके बॉटम में, इस पॉट के बॉटम में कुछ सबस्टांस बचा हुआ है, कुछ सबस्टांस बचा हुआ है, जो सबस्टांस बचा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे वो सबस्टांस प्रेसिपिटेट कर गया। मान लेते एक्स सबस्टांस यहाँ पर बचा हुआ है, एक्स क्या किया, प्रेसिपिटेट कर गया, प्रेसिपिटेट कर गया, मतलब यहाँ पर हम लोग तो दोनों लिए थे, दोनों को मिक्स किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टांस था, प्रेसिपिटेशन का चांस नहीं था, रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, इसीलिए इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब होता क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शन में सम केमिकल रिएक्शन स्वयं पीपीटी रिएक्शन, इट मीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीजिक्स समझेंगे, है क्या BaCl2, BaCl2 का नाम है बेरियम क्लोराइड, इस लोग का सॉलिड फॉर्मेट में है, प्लस ऑफ क्या लीजिए, H2SO4 लीजिए, क्या लीजिए, H2SO4 लीजिए, H2SO4 क्या क्या बोलते हैं बता सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 लीजिए, ठीक है, एक्वस फॉर्मेट में जो फॉर्मेशन जो करेगा, जो फॉर्मेशन करता है बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, BaSO4 का फॉर्मेशन करता है, प्लस ऑफ क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। यहाँ पर ये जो देखिए नीचे के और जो दिखा रहे हैं, नीचे का जो एरो दिखा रहे हैं, सॉरी H2SO4 नहीं होगा, यहाँ पर HCl होगा, HCl होगा, समझे, तो HCl गैस बनाएगा, HCl देखिए, अब ये BaSO4 नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जिस स्पॉट में हो रहा है उस स्पॉट के बॉटम में प्रेजेंट होगा BaSO4। ऐसा नहीं कि ओनली BaSO4 सिर्फ पॉट के नीचे ही प्रेजेंट होगा, और भी उसमें केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ये पॉट मान लेते हैं तो ये पॉट में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन नीचे क्या रहेगा, BaSO4 प्रेजेंट होना, ये इन्फॉर्म क्या करता है कि BaSO4 प्रेसिपिटेट कर गया। जब भी प्रेसिपिटेट करता है उसके कंपाउंड के साइड में ब्रैकेट में क्या करते हैं, नीचे की तरफ एरो दिखा देते हैं, मीन्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या कर गया, केमिकल प्रेसिपिटेट कर गया।
ये किसका था एग्जाम्पल, प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल था। इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए रिएक्शन हम बैलेंस पे ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग को बैलेंसिंग सिखा देंगे तब आप लोग को रिएक्शन को लिख देंगे, ठीक है। बैलेंसिंग हम नहीं सिखा रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं किया है, रिएक्शन यहाँ पर टू करना होगा, बाकी बैलेंस क्या। अब देखिए हम लोग को बैलेंसिंग नहीं बता रहे, बैलेंसिंग आप रिएक्शन बता देंगे तो आप लोग को खुद बैलेंस करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप 2 रुपया का सामान देंगे किसी मार्केट में तो क्या आपको 1 रुपया का सामान लेके आपको भगा देगा, ऐसा नहीं होगा ना। जितना आप इनपुट देंगे उतना तो उससे आउटपुट पिट लेंगे, तो हम यहाँ पर इनपुट इतना दिए, इतना इतना मास का दिए, इतना मास का इधर पिट रहना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, मास कंजर्वेशन का हम लोग का पढ़ना होता है साइंस में, मास कंजर्वेशन का फॉलो करते हैं। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब जितना मास इधर रिएक्टेंट होगा उतना मास इधर भी होगा, समझ तो को इसीलिए रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। एक हम लोग का लास्ट और बचा हुआ जो काफी इंटरेस्टिंग है, चेंज इन टेम्परेचर, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, लेंगे कुछ अलग टेम्परेचर और उधर टेम्परेचर हो सकता है चेंज कर सकता है। टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाना या घट जाना। अगर मान लेते हैं सेम टेम्परेचर हो तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया ना, मान लेते जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, जो हम लोग का देखते हैं ये जो चूना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं, करता क्या है, ये फॉर्मेशन का क्या करता है, CaOH2 का फॉर्मेशन करता है, प्लस ऑफ क्या करता है, हीट जनरेट करता है, हीट ये लॉट ऑफ हीट होता है, हग अमाउंट ऑफ हीट। सुना तो को, तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो लिया गया था, ये दोनों लिया गया था रूम टेम्परेचर पे लिया गया था, सिंपल समझेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे लिया गया था। अब यहाँ का टेम्परेचर जो हुआ, यहाँ का जो टेम्परेचर हुआ एकदम इतना ज्यादा इंक्रीज किया कि वॉइल करना स्टार्ट कर रहा है, CaOH2 के साथ जो होगा वॉइल करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब जिस पॉट में होगा ना ये काम, वो क्या करेगा, वो पॉट में जो CaOH तो बनेगा ही, CaOH2 तो बनेगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 बनेगा ही, उसके साथ ये बॉइल करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर का टेम्परेचर ऑब्वियसली यहाँ पर हाई है तब तो बॉइल कर रहा है, मतलब हीट क्या हुआ, जनरेट किया, मतलब CaO में जैसे ही आप वाटर को मिलाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस अब लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। इस ये क्या है, कैरेक्टर है किसी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप लोग को क्लास मिलेगा, सुनो तो रिएक्शन का क्लास है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या मिलेगा, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट लॉस होता है, मतलब हीट क्या करता है जनरेट होता है एज ए प्रोडक्ट, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, मेरे तो करने का मतलब ये है चेंज इन टेम्परेचर ना, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और था, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और हो गया, ये क्या है, करेक्टर है किसका, केमिकल रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल देते हैं, इसे हम लोग का है क्या, BaOH2 उसको बोलते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बैरियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं NH4Cl के साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेशन क्या देता है, BaCl2 का फॉर्मेशन देता है, BaCl2 का फॉर्मेशन देता है, प्लस ऑफ NH3 हो गया, प्लस ऑफ क्या हो गया H2O हो गया, माइनस ऑफ हीट, मतलब ये माइनस ऑफ हीट बता रहा है, मतलब इस रिएक्शन का टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर पर दोनों को एक साथ किए थे, रिएक्शन प्रोपोगेट ही नहीं किया, मतलब इसका जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोपोगेट करेगा, इसके लिए क्या किए, इसको क्या किए, हीट सप्लाई किए, इसको क्या किए, हीट सप्लाई किए, जब हीट सप्लाई किए तब रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद हुआ क्या, ये जो प्रोडक्ट जो फॉर्म किया ये कौन सा टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर। जैसे सिंपल है किसी चीज को आप गर्म करते हैं मतलब उसको हीट दे रहे हैं, हीट देने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है ये रूम टेम्परेचर पर मिल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों जो कंपाउंड यहाँ से जो यहाँ गया टेम्परेचर का चेंज हुआ, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर जिस रिएक्शन में यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ रहा है जिसमें क्या करें माइनस ऑफ हीट लिख रहे हैं ना, मतलब इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसको प्रोपगेट कराने के लिए, जिसको प्रोसीड कराने के लिए, जिसको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए अगर हीट को देना होता है, अगर हीट क्या करता है गेन करता है, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए समझिए, एक्सो का मतलब एग्जिट, मतलब जिसमें हीट निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडो मतलब इंट्री, समझ रहे हो, जिसमें रिएक्शंस में क्या करेगा हीट इंटर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे,
इंडोथर्मिक रिएक्शन स्कैनिंग, ये तो हम लोग का क्लास था, ये हम लोग का सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है।